जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस वर्ष 10 मई को चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और आज पूरी मार्च का महीना समाप्त होने की अंतिम तारीख है, लेकिन अभी तक चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन का साइड ओपन नहीं हो पाया है और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरह से परेशान है कि आखिर रजिस्ट्रेशन की साइट कब से ओपन होगी और हम लोग कब से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस बारे में लगातार बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं और इंस्टा पे DM भी आ रहे हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन जो है चार धाम यात्रा के लिए हम लोग कब से करवा सकते हैं। तो चले जानते हैं पूरी विस्तार से आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछले वर्ष जो है चार धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल के लास्ट वीक में हो गया था, लेकिन इस वर्ष थोड़ा कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो कुछ आगे चली गई है और 10 मई को इस वर्ष चार धाम यात्रा का शुरुआत हो रहा है। और पिछले वर्ष यही कारण है कि कपाट जल्दी खुल रहे थे, इसलिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी महीने के लास्ट सप्ताह से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है और इस वर्ष भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले वर्ष की तरह ही रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से ही शुरू कर दिया जाए तो अच्छा होगा। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाकर बार बार रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और उनको इरर का सामना इस समय करना पड़ रहा है। और वो इसलिए करना पड़ रहा है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है। तो आप सभी को बता दूं कि इस वर्ष जो है कपाट 10 मई को खुल रहे हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन की साइट ओपन हो जानी चाहिए थी और जिन लोगों को भी चार धाम या सिर्फ केदारनाथ यात्रा पर जाना था वे रजिस्ट्रेशन करवा लेते, लेकिन थोड़ा सरकार की तरफ से इस समय और उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, कुछ चीजों में बदलाव किया जा रहा है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि अप्रैल के पहले वीक में रजिस्ट्रेशन जो है वो 100% चालू हो जाएगी और अप्रैल के पहले सप्ताह से हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन करने का कोई ट्राई नहीं करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को OTP नहीं जा रहा है, किसी का अकाउंट नहीं बन पा रहा है, वे सभी प्रॉब्लम आप सभी को इस समय इसलिए फेस करना पड़ रहा है कि रजिस्ट्रेशन की साइट अभी तक ओपन नहीं हो पाई है। और इस बारे में उत्तराखंड टूरिज्म भी कुछ भी नहीं बता रहा है, वो साफ साफ इनकार कर रहा है कि इस समय रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी ये बताना काफी मुश्किल है। तो आप सभी से बस यही मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि थोड़ा और इंतजार करिए और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रजिस्ट्रेशन का डेट जैसे ही अनाउंस होगा उसी दिन मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, उसके बाद एक पूरा वीडियो भी बनाऊंगा कि आप सभी रजिस्ट्रेशन इस वर्ष कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी रजिस्ट्रेशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा उत्तराखंड टूरिज्म और उत्तराखंड गवर्नमेंट को प्रेशर है। वो इस बारे में जरूर चिंतन कर रहे होंगे और उनका कुछ अलग प्लान रहा होगा, इसलिए थोड़ा डिले किया जा रहा है। तो हम सभी थोड़ा इंतजार करेंगे और जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस होगा सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करके ही इस बार चार धाम यात्रा पर जाएं। और आप सभी को बता दूं कि कुछ जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, तो जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं वे वहां पहुंचकर भी बड़े ही आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार चार धाम यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री केदार, हर हर।